नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आर्टिक लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरे टूब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एम के बारे में इसके अंदर हम 20 ऐसे इम्पोर्टेंट एम को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स के अंदर बहुत से बार पूछे भी गए हैं तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स जो कि अदर कंपिटेटिव एग्जाम्स की, की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको भी आप शेयर कर दीजिए तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से टंगस्टन इज मोस्ट लाइकली यूज एज एन एक्सरे टारगेट बिकॉज इट हैज़ ए हाई एक टंगस्टन टारगेट जो कि एक्सरे ट्यूब के अंदर टारगेट के रूप में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो रखता है सबसे उच्च क्या रखता है वो ऑप्शन ए है फिजिकल डेंसिटी बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डी मेल्टिंग पॉइंट ई आइनाइजेशन पोटेंशियल तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेल्टिंग पॉइंट देखिए यदि हम उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्डमेंट होगा तो उसका जो हीट है एनर्जी उसका टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा तो इंक्रीज टेम्परेचर होने से उसके अंदर ज़्यादा हीट का उसके अंदर एब्जॉर्ब होगी तो उससे क्या है उसके मेल्ट होने की जैसे कंपनी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है तो इसलिए जो एनोड है ऐसा मटेरियल यूज करते हैं एनोड के रूप में जो जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट हाई हो तो यहाँ पर टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होती है तैतीस डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड द मैक्सिमम फोटोन एनर्जी इन एक्सरे बीम इज़ डिटरमाइंड बाई द एक्सरे ट्यूब एक्सरे ट्यूब के द्वारा एक्सरे बीम की मैक्सिमम फोटोन एनर्जी को किसके द्वारा डिटरमाइन या फिर निर्धारित किया जाता है ऑप्शन ए है करंट बी एक्सपोजर टाइम सी टारगेट मटेरियल डी एनोड टू कैथोड वोल्टेज ई टोटल फिल्ट्रेशन तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एनोड कैथोड वोल्टेज के द्वारा एनोड कैथोड वोल्टेज क्या होता है एनोड एंड कैथोड के अक्रॉस जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो यदि किसी एक्सरे ट्यूब के अंदर वोल्टेज इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम फोटोन एनर्जी क्या होती है इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज के द्वारा प्रोटोन जो आउटपुट एक्सरे बीम है उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को चेंज किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर थर्ड द मोस्ट लाइकली करक्ट्रिस्टिक एक्सरे एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रॉम एक्सरे ट्यूब यूज इन चेस्ट एक्सरे रेडियोग्राफी चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर सबसे ज़्यादा किलोलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी रेंज यूज की जाती है वो कौन सी है ऑप्शन ए है 19, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 75 एंड ऑप्शन ई 140. फोर्टी देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 65. चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर जो किलो वोल्टेज यानी कि के जो रेंज हम यूज करते हैं तो वो डिपेंड करते हैं कि जो अप्लाइड वोल्टेज है करेक्टरिस्टिक एक्सरेज निकल रही हैं वो कि उनकी एनर्जी कितनी है तो यहाँ पर हम जो के यूज करते हैं वो होता है यहाँ पर सिक्सटी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि सिक्सटी फाइव किलो वोल्टेज पीक क्वेश्चन नंबर फोर एट सिक्सटी फाइव किलो वोल्टेज एंड विद ए टन टारगेट द परसेंटेज ऑफ के सेल करेक्टरिस्टिक एक्सरे इन द एक्सरे बीम इज मोस्ट लाइकली एक एक्सरे बीम में 65 फाइव किलो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज 65 फाइव के भी है एंड उसके अंदर टंगस्टन टारगेट है तो जो एक्सरे बीम होगा उसके अंदर के सेल करेक्टरिस्टिक एक्सरेज का परसेंटेज कितना होगा ऑप्शन ए है जीरो ऑप्शन बी पॉइंट वन सी टेन डी फिफ्टी एंड ई नाइनटी नाइन तो यहाँ पर कितना परसेंट होगा इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जीरो परसेंट देखिए एक टंगस्टन टारगेट होता है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक एक्सेज का प्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो अपलाइड वोल्टेज सिक्सटी फाइव किलो वोल्टेज है जिसमें इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक के के एनर्जी भी सिक्सटी फाइव किलोलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी क्योंकि टंगस्टन टारगेट के के सेल के इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी सत्तर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है इसलिए जो अप्लाई जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 65 है और जो टंगस्टन है उसकी बाइंडिंग एनर्जी के सेल के की 70 है तो इस इस प्रकार से इसके अंदर किसी भी प्रकार की जो प्रकटिस्टिक एक्सरेज हैं के सैल की किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं होगा क्वेश्चन नंबर फाइव द एवरेज फोटोन एनर्जी ओपन एक्स रे बीम इज लीस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई चेंज इन द एक्सरे बीम की एवरेज फोटोन एनर्जी है निम्न में से किसके द्वारा सबसे कम अफेक्टेड होगी ऑप्शन ए है ट्यूब करंट ऑप्शन बी है ट्यूब वोल्टेज ऑप्शन सी है वोल्टेज वेवफॉर्म ऑप्शन डी है टारगेट कंपोजिशन एंड ऑप्शन ई है बीम फिल्ट्रेशन तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्यूब करंट यहाँ पर ट्यूब करंट एक्सरे बीम की एवरेज या मैक्सिमम फोटोन एनर्जी को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करता क्योंकि ट्यूब करंट ओनली एक्सरे इंटेंसिटी को ही अफेक्ट करता है क्वेश्चन नंबर सिक्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसलेटेड अक्रॉस इन एक्सरे ट्यूब इज मोस्टली मोस्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाई एक एक्सरे ट्यूब के अंदर नंबर ऑफ एक्सरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सेलरेट होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा किसके द्वारा इन्फ्लुएंस यानी कि अफेक्टेड होते हैं ऑप्शन ए है एनोड स्पीड ऑप्शन बी फोकस साइज ऑप्शन सी फिलामेंट करंट ऑप्शन डी ट्यूब फिल्ट्रेशन एंड ऑप्शन ई है ट्यूब वोल्टेज तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फिलामेंट करंट देखिए फिलामेंट करंट फिलामेंट के टेम्परेचर को अफेक्ट करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चेंज होते हैं उससे चूँकि हीट का जो प्रोडक्शन होता है वो आई स्क्वा आर टी के फॉर्म में होता है तो करंट जैसे इंक्रीज़ करते हैं तो फिलामेंट ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा मतलब उसके अंदर जो थर्मियोनिक इमिशन है वो इंक्रीज़ होगा तो इस प्रकार से जो रिजल्टेंट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन द मोस्ट लाइकली एक्सरे ट्यूब फिलामेंट करंट एम इज देखिए फिलामेंट करंट एम ए सबसे ज़्यादा एक्स ट्यूब के अंदर को कितनी रेंज के अंदर यूज की जाती है या मोस्ट लाइकली कितनी एम ए करंट यूज की जाती है एक एक्स ट्यूब के अंदर ऑप्शन ए है जीरो पॉइंट फोर एम ए बी फोर एम ए सी फोर्टी एम ए डी फोर हंड्रेड एम ए एंड ई है फोर थाउजेंड एम ए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फोर थाउजेंड एम ए एक एक्से ट्यूब के अंदर जो फिलामेंट करंट होती है वो यहाँ पर फोर थाउजेंड एम ए या फिर चार एमपियर यहाँ पर यूज की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई e होगा यहाँ पर एम ए दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर फोर थाउजेंड आया है वरना यहाँ पर ओनली एम्पियर देता तो इसका आंसर होता ऑप्शन बी ठीक है क्वेश्चन नंबर एट चेंजिंग एक्सरे ट्यूब करंट मोस्ट लाइकली चेंजिंग द एक्सरे एक एक्सरे ट्यूब के अंदर एम ए करंट को चेंज करने पर सबसे ज़्यादा चेंज होता है ऑप्शन ए है फील्ड ऑफ व्यू ऑप्शन बी मैक्सिमम एनर्जी सी एवरेज एनर्जी डी एनोड एंगल एंड ई है यहाँ पर बीम की इंटेंसिटी तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बीम इंटेंसिटी एक एक्सरे ट्यूब के अंदर ट्यूब करंट एम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी बीम एक्सरे बीम की इंटेंसिटी तो की यदि हम ट्यूब करंट को इंक्रीज़ करते हैं तो एक्सरे बीम की इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन द लार्ज फोकस डायमेंशन इज मोस्ट लाइकली लार्जर परसेंट प्रतिशत देन दैट ऑफ स्माल फोकस ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लार्ज फोकस होता है उसका डायमेंशन स्माल फोकस की तुलना में कितना प्रतिशत बड़ा होता है ऑप्शन ए है टेन परसेंट ऑप्शन बी ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑप्शन सी फिफ्टी परसेंट ऑप्शन डी सेवेंटी फाइव परसेंट एंड ऑप्शन ई हंड्रेड परसेंट तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हंड्रेड परसेंट देखिए टिपिकली लार्ज फोकल स्पोर्ट 1.2 पॉइंट टू होता है और स्मॉल फोकल स्पोर्ट 0.6 पॉइंट का होता है तो इस प्रकार से लार्ज फोकस 100 परसेंट लार्ज होता है स्मॉल फोकस की तुलना में क्वेश्चन नंबर टेन द एनोड एंगल डिग्री इन एन एक्सल ट्यूब यूज्ड फॉर चेस्ट रेडियोग्राफी इज मोस्ट लाइकली चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए एनोड एंगल एक ट्यूब के अंदर यूज किया जाता है ऑप्शन ए है पंद्रह डिग्री ऑप्शन बी है 30 डिग्री ऑप्शन सी है पैंतालीस डिग्री ऑप्शन डी है साठ डिग्री एंड ऑप्शन ई है यहाँ पर सेवेंटी फाइव डिग्री तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंद्रह डिग्री देखिए लार्ज फील्ड ऑफ यू के लिए फोकल स्पोर्ट भी लार्ज चाहिए होता है जिसके लिए टिपिकल एनोड एंगल पंद्रह डिग्री यूज करते हैं वैसे टिपिकल एनोड एंगल की जो रेंज होती है रेडियोग्राफी के अंदर वो सिक्स डिग्री से लेके ट्वेंटी डिग्री के बीच के अंदर हम यहाँ पर एनोड एंगल यूज करते हैं रेडियोग्राफी के अंदर रेडियोलॉजी के अंदर जितने भी मशीन्स होते हैं वो इसी का जो एनोड एंगल होता है वो इसी रेंज के अंदर वेरी करता है क्वेश्चन नंबर एलेवन एक्सरे ट्यूब आउटपुट वुड लाइकली इंक्रीज द मोस्ट वह इंक्रीजिंग द एक्सरे ट्यूब एक्सरे ट्यूब का आउटपुट होता है वो किसके द्वारा इंक्रीज होता है जब एक्सरे ट्यूब के अंदर किस को हम इंक्रीज करते हैं जब मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी एक्सरे ट्यूब का आउटपुट किस फैक्टर को इंक्रीज करने पर इंक्रीज होता है मोस्टली ऑप्शन ए है वोल्टेज ऑप्शन बी एनोड एंगल ऑप्शन सी है टारगेट मटेरियल जेड ऑप्शन डी है करंट एंड ऑप्शन ई है एक्सपोजर टाइम तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वोल्टेज देखिए जो एक्सरे ट्यूब का जो आउटपुट होता है वो बेसिकली एक एक्सरे ट्यूब के वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है एक्सरे ट्यूब आउटपुट अप्रोक्सीमेटली ट्यूब वोल्टेज के यू के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि ट्यूब वोल्टेज इंक्रीज़ करने पर एक्सरे बीम की इंटेंसिटी बढ़ती है और साथ ही साथ में एक्सरे बीम की एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है यानी कि एक्सरे बीम की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही इंक्रीज होती है वही ट्यूब वोल्टेज इज इंक्रीजेज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ए चेस्ट एक्सरे एग्जामिनेशन ऑन ए डेडिकेटेड चेस्ट यूनिट वुड बी लिस्ट लाइक लाइकली टू यूज एक डेडिकेटेड चेस्ट एक्सरे यूनिट के ऊपर एक चेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके अंदर सबसे कम जो फैक्टर फैक्टर हम यूज करते हैं वो कौन सा होगा ऑप्शन ए है इनमें से सबसे लीस्ट फैक्टर जो होगा वो कौन सा है ऑप्शन ए है 60 के वी वोल्टेज ऑप्शन बी 800 हंड्रेड एम ए ट्यूब करंट ऑप्शन सी टेन मिली सेकेंड एक्सपोजर टाइम ऑप्शन डी वन मिली वन एम एम फोकस एंड ऑप्शन ई फाइव एम एम एल्यूमिनियम फिल्ट्रेशन तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्सटी के वी वोल्टेज देखिए सबसे कम जो बोल, जो वोल्टेज होता है एक्सरे के एक अडल्ट के एक्सरे करने के लिए हमें वो सिक्सटी के वी यूज करते हैं एक वन फिफ्टी एम ए टेक्निक के ऊपर और इसके अंदर हम यूज करते हैं मिनिमम सिक्सटीन एम ए एस का एंड सिक्सटी के का मिनिमम यूज़ करते हैं यहाँ पर 800 हंड्रेड एम ई नहीं होगा जो कि, 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 कि बहुत अधिकतम हो जाता है ये एंड यहाँ पर मिली टेन मिली सेकेंड एक्सपोजर टाइम ये भी गलत है और वन एम एम फोकल ये भी गलत है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो फोकल स्पॉट का साइज़ होता है वन पॉइंट टू के समथिंग होता है एक चेस्ट रेडियोग्राफी यूनिट के अंदर फिल्ट्रेशन की बात करें तो फिल्ट्रेशन यहाँ पर वन टू पॉइंट फाइव एम या फिर टू एम एम के बीच में फिल्ट्रेशन यूज़ होता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ एनोड हीट कैपेसिटीज वन हीट यूनिट करस्पोंड टू एनर्जी जूल ऑफ एनोड हीट कैपेसिटी के स्पेसिफिकेशन के लिए जो हीट वन हीट यूनिट होती है उसके करस्पोंड कितनी एनर्जी होती है ऑप्शन ए है जीरो पॉइंट नाइन ऑप्शन बी जीरो पॉइंट एट ऑप्शन सी जीरो पॉइंट सेवन ऑप्शन डी जीरो पॉइंट फाइव एंड ऑप्शन ई ज़ीरो पॉइंट थ्री तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी जीरो पॉइंट सेवन देखिए एनोड हीट के कैपेसिटी के स्पेसिफिकेशन के लिए वन हीट यूनिट के करस्पोंड जो एनर्जी होती है वो जीरो पॉइंट सेवन जूल यहाँ पर यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हीट स्टोरेज इन एक्सरे ट्यूब एनोड इज मोस्ट लाइकली डिसिपेटेड बाय द एक्सरे ट्यूब के अंदर जो हीट स्टोर होती है वो एनोड के द्वारा सबसे ज़्यादा किस प्रोसेस के द्वारा डिसिपेट होती है ऑप्शन ए e है कन्वेक्शन ऑप्शन बी कंडक्शन ऑप्शन सी रेडिएशन ऑप्शन डी एयर कूलिंग एंड ऑप्शन ई है ऑयल कूलिंग तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेडिएशन एक्सपोजर के दौरान एनोड गर्म होने हो के वाइट हो जाता है जो हीट एनर्जी को सबसे अधिक रेडिएशन के फॉर्म में ट्यूब हाउसिंग को ट्रांसफर करता है बाद में ट्यूब हाउसिंग के चारों ओर सर्कुलेट होने वाले ऑयल को यह कन्वेक्शन के द्वारा प्राप्त होती है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेडिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन ए स्टैंडर्ड एक्सरे ट्यूब द मैक्सिमम पावर लोडिंग ऑन द जीरो पॉइंट सिक्स एमएम फोकल स्पोर्ट इज मोस्ट लाइकली एक स्टैंडर्ड एक्सरे ट्यूब एक्सरे ट्यूब के अंदर मैक्सिमम लोडिंग आउटपुट के भी एक जीरो पॉइंट सिक्स एम एम पोकल स्पोर्ट के लिए कितना होगा ऑप्शन ए है वन किलो ऑप्शन बी है टू किलो ऑप्शन सी है फाइव किलो वाट ऑप्शन डी है टेन किलो वाट एंड ऑप्शन ई है ट्वेंटी फाइव किलो वाट तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्वेंटी फाइव किलो वाट फोकल स्पोर्ट यानी कि 0.6 पॉइंट mm सिक्स वाली जो एक्सरे ट्यूब होती हैं उनके अंदर लगभग 25 किलो वोट तक की जो पावर लोड ले सकती हैं वो और जो लार्ज फोकल स्पोर्ट वाली जो एक्सरे ट्यूब होती है यानी कि 1.2 पॉइंट mm टू फोकल स्पोर्ट होता है जिनके अंदर वो पावर लोड 100 तक का किलो वोट तक का पावर लोड ले सकती हैं इसके ऊपर इनके पावर लोड इनक्रीज़ करने पर इनकी जो डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो इनक्रीज़ होती है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन रेडिएशन ट्रांसमिटेड थ्रू द एक्सरे ट्यूब हाउसिंग इज रेफर टू एज एक्सरे ट्यूब के हाउसिंग से जो रेडिएशन ट्रांसमिट होकर बाहर निकलते है, उसको किस नाम से जानते हैं ऑप्शन ए है यूजफुल रेडिएशन ऑप्शन बी है सेकेंडरी रेडिएशन ऑप्शन सी है स्ट्रे एंड ऑप्शन डी है लीकेज एंड ऑप्शन ई है स्कैटर्ड e तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा लीकेज रेडिएशन एक्सरे ट्यूब से जो ट्रांसमिट होगी रेडिएशन हाउसिंग के द्वारा या फिर कोलीमीटर के द्वारा तो उसे हम लीकेज रेडिएशन के नाम से जानते हैं एक्से ट्यूब के हाउसिंग से ट्रांसमिट होने वाली रेडिएशन को लीकेज रेडिएशन कहते हैं जो कि ए, ए वन मिली ग्रे पर हावर एट वन मीटर से वन मीटर पर वन ग्रे पर हावर से कम होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर एटीन इंक्रीजिंग द एक्से ट्यूब वोल्टेज वन पॉइंट फाइव टाइम देन। किसी एक्से ट्यूब का जो वोल्टेज है 1.5 यानी कि ए वन पॉइंट गुना अगर इंक्रीज़ करते हैं तो तब क्या होगा ऑप्शन ए है मोर देन डबल द एक्सरे बीम इंटेंसिटी एक्सरे बीम की इंटेंसिटी डबल से अधिक होगी लेस देन डबल द एक्सरे बीम इंटेंसिटी एक्सरे बीम की इंटेंसिटी डबल से कम होगी ऑप्शन सी है डबल द एक्सरे बीम इंटेंसिटी एक्सरे बीम की इंटेंसिटी डबल होगी ऑप्शन डी है ट्रिपल द एक्सरे बीम इंटेंसिटी एक्सरे बीम की इंटेंसिटी ट्रिपल होगी तीन गुना होगी एंड ऑप्शन ई है नो चेंज इन द एक्सरे बीम इंटेंसिटी एक्सरे बीम की इंटेंसिटी में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा यदि हम किसी एक्सरे 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 बीम ट्यूब ट्यूब के अंदर वोल्टेज को डेढ़ गुना इंक्रीज करते हैं तो उसके अंदर जो एक्सरे ट्यूब की जो बीम एक्सरे ट्यूब से जो निकलने वाली जो बीम इंटेंसिटी है एक्सरे एक्सरे -ray, की पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डबल से भी अधिक हो जाती है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन बिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडमेंट इज ट्रू से कौन सा कथन सत्य है ऑप्शन ए यहाँ पर फर्स्ट कथन है एक्सरे बीम इंटेंसिटी इज प्रपोशनल टू द एक्सरे ट्यूब करंट एक्सरे बीम की इंटेंसिटी एक्सरे ट्यूब करंट के समानुपाती होती है सेकंड है एक्सरे बीम इंटेंसिटी इज प्रपोशनल टू द एक्सरे एक्सपोजर टाइम एक्सरे बीम की इंटेंसिटी एक्सपोजर टाइम के समानुपाती होती है थर्ड है एम ए एस एफेक्ट बीम इंटेंसिटी बट डज नॉट चेंज द एनर्जी स्पेक्ट्रम तो यहाँ पर कौन से जो स्टेटमेंट है वो सही होंगे ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली ऑप्शन बी है सेकेंड एंड थर्ड ओनली ऑप्शन सी है थर्ड ओनली एंड ऑप्शन डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो यहाँ पर इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन डी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड देखिए तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पर सत्य है एक्सरे बीम की इंटेंसिटी एक्सरे ट्यूब करंट के, के समानुपाति होती है ट्यूब करंट जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी उतनी ही एक्सरे बीम की इंटेंसिटी भी यहाँ पर इंक्रीज होगी एंड यहाँ पर जो एक्सपोजर टाइम है वो इंक्रीज करते हैं हम यदि तो एक्सरे बीम की इंटेंसिटी भी उसी अनुपात में इंक्रीज होती है यानी कि यह भी इसके प्रोपोर्शनल होता है एम एस एक्सरे बीम की इंटेंसिटी को अफेक्ट करता है लेकिन एक्सरे बीम के जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है उसको अफेक्ट नहीं कर सकता एनर्जी स्पेक्ट्रम को ओनली और ओनली के ही अफेक्ट कर सकता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट असत्य है ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है द लो पावर लोडिंग इन फ्लोरोस्कोपी परमिट द यूज ऑफ लार्ज फोकल स्पोर्ट साइज़ 1.2 पॉइंट mm. टू एक फ्लोरोस्कोपी यूनिट के अंदर लो पावर लोडिंग है तो उसके अंदर जो फोकल स्पोर्ट का साइज़ है 1.2 पॉइंट mm टू यूज किया जाएगा सेकेंड स्टेटमेंट है द रेटिंग ऑफ एन एक्सरे ट्यूब इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम अलाओबल किलो वोल्टेज के वी किलोवाट के वी एट एन एक्सपोजर टाइम ऑफ वन सेकेंड वन सेकेंड एक्सपोजर टाइम के अंदर मतलब कितना किलोवाट किलोवाट अपन उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं वो उसकी एक्सरे ट्यूब की रेटिंग को बताती है थर्ड स्टेटमेंट है इन रेडियोग्राफिक इमेजिंग इनक्रीजिंग द केवी बाई फिफ्टीन परसेंट हैज़ द सेम इफेक्ट ऑन द रेडियो रेडिएशन इंसीडेंट ऑन द इमेज रिसप्टर एज डबलिंग द एम ए एस यानी कि उसे इमेज रिसेप्टर के ऊपर आने वाली रेडिएशन की इंटेंसिटी सेम रखने के लिए यदि हम किसी एक्सरे ट्यूब के अंदर के वी को 15 परसेंट इंक्रीज करते हैं तो उस केस के अंदर जो एम एस है उसको डबल करना होता है तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा ऑप्शन ए फाल्स होगा ऑप्शन ए है वन ओनली ऑप्शन बी है फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली ऑप्शन सी है थर्ड ओनली एंड ऑप्शन डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑल अबाउ तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड ओनली देखिए यहाँ पर गलती क्या है इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर जो फ्लोरोस्कोपी यूनिट्स होती है यदि उनके अंदर इसमें जो फोकल स्पोर्ट का साइज़ है ना वो स्मॉल होगा तो उनकी जो पावर लोडिंग है वो भी लो होगी लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है यहाँ पर लार्ज दे रखा है सेकेंड है यहाँ पर ये पावर रेटिंग पावर रेटिंग क्या होती है जीरो पॉइंट वन सेकेंड एक्सपोजर टाइम का सेकेंड होता है जो सेकेंड का जो एक्सपोजर टाइम होता है उसके अंदर कितना अपन मैक्सिमम उसके ऊपर वोल्टेज यानी कि पावर लोड अप्लाई कर सकते हैं किलोवाट अप्लाई कर सकते हैं एक एक्से ट्यूब के अंदर वो उसको बताता है तो यहाँ पर वन सेकेंड के बजाय जीरो पॉइंट वन सेकेंड होता तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होता तो दोस्तों इस प्रकार से आज की ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होती है कैसी लगी आपको वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन को प्रेस कर लीजिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर तब तक के लिए बाय बाय